हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रूट्स। और मैं हूं सुमित। तो आज मैं गाना लेकर आया हूं, प्यार दीवाना होता है, संग बाय किशोर दा। इसका मैंने एक लेसन कवर स्ट्रमिंग और कोर्ड्स के बारे में आपको अभी मैं बताऊंगा। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, काफ़ी अच्छी मेलोडी है ये गिटार पर बजाने के लिए। और जब भी आप इस गाने को सुनेंगे और इसको जब सीखोगे गिटार पर बजाना, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आने वाला है। सो चलिए एक फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको मैं एक लेसन इसका देता हूँ, ठीक है? ओके। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, सी मेजर, मस्ताना होता है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। वापिस से दो बार, ठीक है? बी सी ये ले सकते हैं और ऐसे भी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम फर्स्ट लाइन में बताया, ठीक है? खुशी से हर गम से बेगाना होता है, ठीक है? ये रहा मुखड़ा, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में, ठीक है? और जो इसका मुखड़ा है, सॉरी अंतर, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, जी मेजर, या तो आप बार कोड भी ले सकते हैं या तो ओपन कोड, ठीक है? परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा पे आएगा ए माइनर, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। फिर वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। जैसा आपने मुखड़े में कोड लिए हैं वैसे सेम इसी में रहेंगे। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो ये सबसे एक इजी वे में मैंने इस लेसन को तैयार किया था। तो मे बी सभी गिटारिस्ट के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं या मीडियोकर हैं, जो भी सीख रहे हैं मतलब, या जो गाते हैं जिनको पता नहीं कोर्ड्स का, तो उनके लिए काफ़ी एक इजी लेसन मैंने तैयार किया है, ठीक है? तो एक बार से रिपीट करके फिर आपको सुनाता हूँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ठीक है? बिल्कुल इजी है, बी सी डी, ठीक है? अंतरे में क्या है? क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ।
ठीक है, सिंपल डी जी ए माइनर सी और वापिस डी, बिल्कुल सिंपल है ये और काफ़ी आसान रहेगा सबको सीखने के लिए। और एक बार आप इसको सीख गए तो फिर बजाने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको ऐसे बताता हूँ, डाउन अप चक, ठीक है, डाउन अप चक अप अप टू टाइम अप है लास्ट में, फिर से चक, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो आप इसी तरह से इस कोर्ड्स में जो आप इसको अगर बजाओगे तो काफ़ी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा ये। और एक सिंपल वे में मैंने, बिल्कुल इजी वे में इस लेसन को मैंने तैयार किया है, तो आप काफ़ी आपको सीखने में इजी रहेगा। सेम इसी कोर्ड्स के आप पहले गाने को एक बुक में या किसी कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसके कोड जैसे मैंने बताया आप स्किप करके पोज करके वहाँ पे आप लिख कर वहाँ पे आप कोड ऊपर एक ब्लू पेन से लिख लें और किसी नेक्स्ट किसी ग्रीन या किसी और कलर से उस पर कोड जिस वर्ड पे यूज़ हुए हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं उनको, ठीक है। और गाना, क्योंकि गाना जो है ओरिजिनल स्केल्स में काफ़ी आप अपने गले के हिसाब से कहीं भी इसको बजा सकते हैं, जैसे मैंने डी पे बजाया तो इसको हम जी पर भी बजा सकते हैं, देखिए प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो कहीं भी आप किसी भी स्केल से आप इसको गाने को उठा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप ई मेजर से भी ले सकते हैं। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो स्केल्स अलग अलग होती हैं, किसी का सुर कहीं पे लगता है तो किसी के अपने अपने मतलब उस सुर के हिसाब से कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो तीन चार स्केल्स होती हैं या कितनी भी स्केल्स में आप इसको मूव कर सकते हो गाने को। कभी इसका एक लेसन मैं आपको स्केल्स के लिए एक लेसन दूंगा जिसमें आपको, क्योंकि मे बी लोग मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा, क्योंकि मैं कैपो मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मैं बिना विदाउट कैपो ही मैंने सभी गानों को प्ले करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैपो यूज़ करोगे तो सारे कोड्स की शिफ्टिंग चेंज हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि मैं उसको उसकी स्केल चेंज करके उसका सुर चेंज करके उस गाने को मैं प्ले करके या गा देता हूँ या उसको उसको सुनकर उसको रिहर्सल करके बार बार उसको सीख कर तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कहीं भी, ठीक है। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा एक ट्रिक दे दिया है लास्ट में, तो होप आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा और आपने सुना है तो इसको काफ़ी अच्छे तरह से रिहर्सल करिए, तैयार करिए इस गाने को और गाइए गिटार पे और छा जाइए फिर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नए सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो भी नए चैनल पर आते हैं, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।